कि आज से हमारे जो कैप्टन है वो नन अदर देन शाहीन शाफी। तो शाहीन थैंक यू वेरी मच, आपने जितना कलंदर्स के लिए आपने मेहनत की और जितना आपने कलंदर्स की जितवाने में अहम किरदार अदा किया और आप कलंदर्स फैमिली का एक इंटेग्रल पार्ट है, मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और अब ये टीम आपकी है, आपने मुझे भी सीईओ रखना है तो बता दें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज कलंदर्स की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जब ये फ्रेंचाइज परचेज़ की थी हमने तो उस वक्त दिल में यही ख्याल था कि पाकिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ग्राउंड गैर आबाद हो चुके हैं और स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो हैं वो बिल्कुल मान पड़ चुकी हैं। तो इस आइडिया और इस कॉन्सेप्ट के साथ लाहौर की फ्रेंचाइज हमने ली थी कि हम अपने यंग टैलेंट को ना सिर्फ प्रमोट करेंगे बल्कि उनको प्लेटफॉर्म भी देंगे, उनको ग्रूम करेंगे ताकि आने वाले सालों में वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। सो लाहौर कलंदर का सफ़र जो इसी कजाफी स्टेडियम से शुरू हुआ था दिसंबर 2 दिसंबर को मेरा ख्याल है जब फ्रेंचाइज हमने उठाई थी और फिर हम अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए और हमने आपने देखा कि 5 लाख बच्चों को हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मौका दिया और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया स्टेट ऑफ द आर्ट जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस खत्ते में ICC के अलावा कहीं और है। सो कोशिश हमेशा यही होती है कलंदर्स की कि अपने प्लेटफॉर्म से जो यंग हीरोज़ हैं उनको चांस दिया जाए। सो मेरा ख्याल है कि जो जर्नी हमने शुरू की थी दिसंबर में आज उसकी तरफ एक बहुत बड़ा हम कदम लेने जा रहे हैं। जिस तरह हमने शुरू में आपको मैंने बताया कि हमने जब टीम उठाई उसके बाद आकिब भाई पहले साल जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे, UAE के हेड कोच थे, सेकंड ईयर हम इनको रिक्वेस्ट करके लेके आए और इन्होंने जो कमाल ऑफ द डिपार्टमेंट जो कमाल इन्होंने काम किया, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें आज हारिस हैं आपके सामने, दिलबर हैं, फरीदौन हैं, एक सुहेल अख्तर हैं, एक लंबी लिस्ट है। और मेरा ख्याल है कि मुझे कभी ज़ाती तौर पे इससे ज़्यादा खुशी कलंदर्स में नहीं हुई जो आज मुझे होने जा रही है कि आज मेरा ख्याल है कि आकिब भाई जो है वो उनकी रिकमेंडेशन के साथ मैं अनाउंस कर सकता हूँ कि आज से हमारे जो कैप्टन है वो नन अदर देन शाहीन शाफी। तो शाहीन थैंक यू वेरी मच, आपने जितना कलंदर्स के लिए आपने मेहनत की और जितना आपने कलंदर्स की जितवाने में अहम किरदार अदा किया और आप कलंदर्स फैमिली का एक इंटेग्रल पार्ट है, मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और अब ये टीम आपकी है, आपने मुझे भी सीईओ रखना है तो बता दें। थैंक यू सर।